गुफा में आराम करे तो असद है, जरा सा पैर सामने कर दे तो गजम्फर है, शिकार को घूर ले तो जैगम, लपक जाए तो हमजा, पकड़ के दबोच के सांस बंद कर दे तो अब्बास, फाड़ के रख दे तो हैदर है। और ये याद रखो, आमाल जिसके जैसे भी हो, किरदार जिसका जैसा भी हो और उसके अखलाक जैसे भी हो, याद रखो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के बारे में जबान दराजी न करना, आले रसूल के बारे में अपनी जुबानों को न खोलना, इसलिए कि जब जन्नत में नमाजें पढ़ते रहो जन्नत में नहीं जा सकते हो, रोजे रखते रहो जन्नत में नहीं जा सकते हो, जन्नत में तब जाओगे जब तुम्हारे दिलों में सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा और आपके दोनों शहजादों का प्यार होगा, तब तुम्हें बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। याद रखो ये बात, इसलिए अपनी नमाजों पे फख्र न करना, अपने रोजों पे फख्र न करना, अपने इलम पे मांग न करना कि हमने बहुत पढ़ लिया है, हम उनसे बड़े हो गए हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सैयद की उस वक्त तक कदर करो कि जब तक उसके जो अकायद हैं वो कुफरिया नहीं हो जाते। सैयद बेअमल भी हो, हम पे फर्ज ये है कि उसके अंदर खून मुस्तफ़ा है, उसके अंदर शेर खुदा का खून है, वो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की औलाद है, हम पे ये फर्ज है कि हम उस सैयद का एहतराम करें।